सो गाइस, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपने इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखा और आपने मुझे दिखाया नहीं। लुक एट दैट व्यू फर्स्ट, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। नाउ इफ़ यू कैन सी, मैं पे जूम, इफ आई कैन डू, आई कैन नॉट डू इन द फ्रंट कैमरा। वहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है, जो आपको भी अगर आपको दिख रहा हो, एक सेकेंड मेरी फिंगर जाए सही जगह, ऑलराइट दैट्स द प्लेस। सो वहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, वो मेरे को आँखों से इतना सुंदर लग रहा है कि मैंने स्पेशली गाड़ी रोड पे रोकी है एंड वी आर गोइंग टू कश्मीर एक्चुअली। बट कश्मीर जाने से पहले लुक एट दिस वैली व्यू यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई नीड टू शो यू दिस, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है एंड आपको भी देखते हुए उतना सुंदर लगेगा। देखिए, क्लाउड्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक्चुअली हम वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं, हम पटनी टॉप पे गए थे एंड वहाँ से आप पूरी ये रेंज देखिए माउंटेन्स की एंड देन यू सी यार, माई गॉड, ऊपर वाले की क्रिएशन से सुंदर कुछ नहीं है यार। क्या व्यू है, क्या वैली है, क्या माउंटेन्स है, अमेजिंग अमेजिंग यार। सो आई एम विद माई होल फैमिली हेयर एंड मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन से मौसम में आना चाहिए, बट जिस मौसम में हम आए हैं, क्लाउड्स माउंटेन्स का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रेथ टेकिंग एक्चुअली। हम रात में यहाँ पे आए थे, हम एक्चुअली उन क्लाउड्स के अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो क्लाउड्स के अंदर से गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी और व्लॉग में शायद मेरी वाइफ अपलोड कर देगी तो आप देख लेना, सो आप उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो मेरे से ज़्यादा व्लॉग्स डालती है, तो इनफैक्ट स्टोरीज डालती है, व्लॉग्स नहीं डालती हो, तो आप उसे फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं। बट लुक एट दिस रेंज यार, यू डोंट सी इट इन उत्तराखंड एंड हिमाचल, अमेजिंग। हम कहाँ से पहाड़ों से निकल के कहाँ जाएंगे, बट ये तो यार कुछ नेक्स्ट लेवल लग रहा है। किसी ने बिल्कुल खूब ही कहा है कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर हैं, आप अपनी ज़िंदगी को क्या बनाते हो आपके हाथ में है। एंड आई थिंक इफ समथिंग इज़ कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ, किसी ने सच बोला यार, कश्मीर हेवन ही है। मैंने पहले ऐसा कभी नज़ारा नहीं देखा इतना सुंदर, आई हैव सीन द वर्ल्ड एक्चुअली, पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। सो आप मेरे वर्ड्स नोट कर सकते हो कि दिस इज़ रियली अमेजिंग। कैमरे में मुझे नहीं पता क्या आपको दिख रहा है, बट वो जो बादलों के पीछे से वो जो नीला नीला दिख रहा था ना, अभी बादल आ गए वहाँ पे, बट मैंने गाड़ी उसे देख के रोकी थी। सो लेट्स हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। शुभी, व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस व्यू? वंडरफुल प्लेस। सो माय बेबी इज स्लीपिंग हियर, ओए होए, शी इज स्लीपिंग एंड व्हाट डू यू वांट टू से? ओह, इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, वर्थ इट, वर्थ इट, एवरीथिंग इज वर्थ इट। भाई देखो, अगर किसी को देखना है तो यहीं पे आके देखना पड़ेगा, वीडियो में क्या ही दिखा सकते। हां, वही वही वही, वो व्यू जो है ना, वो पिंक स्काई ब्लू वाला जो दिख रहा है अलग से, वो अलग है। आप ये समझे, इस रोड ट्रिप को प्लान करने के लिए अभी हमने नई गाड़ी खरीदी है 4x4, जस्ट बिकॉज पूरी फैमिली के साथ हम इंजॉय कर पाए। मैं अकेला तो बहुत बार आ जाता हूँ, फैमिली फिर अलग जाती है, बट अब क्या है कि साथ में घूमने का एक्सपीरियंस अलग है। वाह यार, अगर मैं आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू दिखाऊँ तो आप देख के फ़ैन हो जाओगे इस जगह का। हाँ, सोचो यहाँ से ऐसा दिख रहा है, यहाँ से वैली व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट ऊपर भी अच्छे व्यूज़ थे, बट आई रियली लाइक दैट, जो वहाँ पे वो ब्लू की बात करी गई ना, ब्लू स्काई, माउंटेन्स, वट एवर देवर, बट वाओ। चलिए अब आगे चलते हैं एंड आई विल शो यू अलग अलग जगहों पर जहाँ पे भी मुझे अच्छी लोकेशंस मिलेंगी, मैं आपको भी घुमाने की कोशिश करूँगा साथ साथ। सो ट्रैवल विद PRT यार, सी यू गाइस, सी यू।